वही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे ही आप सबको मालूम है कि अभी कुछ ही दिन बाद हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो आज की हमारी कॉन्सेप्ट भी इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो जैसे ही गाइस आप लोग देख सकते हो, आज की हमारी एडिटिंग काफ़ी ऑसम सी होने वाली है। सो गाइस, अगर आप सब भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग अगर करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते रहना। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में जिन बैकग्राउंड पीएनजी का यूज़ किया गया है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली से आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसके साथ चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे पिक्सआर्ट ऐप का। तो चलिए ओपन करते हैं पिक्सआर्ट ऐप को। गाइस, सो गाइस सबसे पहले तो हम लोग आ चुके हैं पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। एंड गाइस, पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग देख सकते हो, ये वाला बैकग्राउंड आप लोग को सिंपल सा एक बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले तो हम लोग को चलना है ऐड फोटो में। एंड गाइस, ऐड फोटो में जाकर के आपको ये वाला पीएनजी ऐड करना है, जो कि आप लोग को पूरी स्क्रीन पर ऐड करना है। एंड इसके बाद आप लोग को इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके रख लेना है ऐड। सो देन इसके बाद इसको डन कर लेना है। एंड जैसे ही गाइस ये ऐड हो जाए, तो ऐड होने के बाद सिंपली से फिर से अगेन ऐड फोटो में चलना है इस बार। एंड अब की बार गाइस आप लोग को अपने मॉडल को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने मॉडल के कटआउट को ऑलरेडी पहले निकाल कर रखा है। सो अगर आप लोग को कटआउट निकालना नहीं आता है, तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप लोग चाहो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पर गाइस मैंने अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा दिया है। तो गाइस, इसके बाद हम लोग को राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है ऐड फोटो का, उसमें से ऐड फोटो में जा करके हम लोग को यहाँ पर एक पीएनजी को ऐड करना है, जो कि होगा हैप्पी न्यू ईयर का। तो सबसे पहले तो गाइस मैंने इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट किया है एंड इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके रख लिया है स्क्रीन। तो इसके बाद हम लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन में चलना है एंड यहाँ पर एडजस्ट में जाकर के इसकी सेचुरेशन बिल्कुल डिक्रीज कर लेनी है। सो देन इसको टर्न कर लेते हैं। एंड अभी के स्टेप से इसको बढ़ा करके लगा लेते हैं। एंड इसी टाइप से गाइस हम लोग को सेकंड वाला पीएनजी को सिलेक्ट करना है। एंड इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करके रख लेना है हम लोग को स्क्रीन या फिर ऐड। तो देन इसके बाद हम लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन में चलना है एंड इसकी भी सेचुरेशन को डिक्रीज कर देना है एंड देन इसको भी टर्न कर लेना है। ओके, सो गाइस इसके बाद हम लोग को इस वाले पीएनजी को कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा देना है। एंड देन इरेजर वाले ऑप्शन में जा करके जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है वाइट कलर का, ये वाली पट्टी जो आप लोग देख सकते हो, इसको इरेज कर लेना है एंड इसके बाद इसको डन कर देना है। सो गाइस, इतना करने के बाद आप लोग को इसे अच्छे से सेट कर लेना है एंड देन इसके बाद आप लोग इसको डन कर देना। ओके, सो गाइस यहाँ पर डन हो जाने के बाद आपको इसको ड्रॉ टूल के अंदर ले जाना है। एंड यहाँ पर ड्रॉ टूल में आ जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड ब्रश की हार्डनेस बिल्कुल डिक्रीज करके आप लोग को नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से शेडो बनानी है। तो इस टाइप से शेडो बनाने के बाद आप लोग को इसको हल्की सी ट्रांसफॉर्म करके या फिर आप लोग इसकी अपेसिटी कम कर लेना। सो इसके बाद हम लोग ओपन करेंगे लाइटरूम ऐप को। तो लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन करने के बाद हम लोग इस फोटो की एडिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए गाइस ओपन करते हैं लाइटरूम ऐप को। ओके, सो गाइस अभी आप लोग देख ही सकते हो कि अभी हम आ चुके हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। एंड लाइटरूम ऐप के अंदर आने के बाद हम लोगों ने इस वाली फोटो को ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे लाइट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आकर के इसके एक्सपोजर को कम कर लेंगे एंड जो इस फोटो का कॉन्ट्रास्ट रहेगा इसको हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे एंड इस टाइप से इसकी हाईलाइट को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे एंड नीचे शेडो का ऑप्शन मिलता है तो शेडो को हम लोग कम कर लेंगे। सो देन गाइस इसके बाद टेम्परेचर वाले ऑप्शन में चलेंगे एंड इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर लेंगे और ऊपर मिक्स वाला ऑप्शन मिलता है इस पर चले जाएंगे एंड यहाँ पर जा करके सेकेंड कलर की सेचुरेशन डिक्रीज करेंगे, जो कि अपना फेस का कलर होता है। एंड इसी टाइप से इसकी लुमिनेस को इंक्रीज करेंगे। सो देन गाइस हम लोग को ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी ह्यू को डिक्रीज करेंगे, तो ज़्यादा नहीं हम लोग करीब 20 के अराउंड इसको कम कर लेंगे। सो देन इसके बाद इसको डन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर गाइस डन करने के बाद हमें इसके विवरेंस को इंक्रीज कर लेना है एंड देन हम लोग को चलना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर इसके क्लैरिटी को इंक्रीज करना है एंड बिगनेट को कम कर लेना है। सो देन आगे वाले टूल में चलना है एंड यहाँ पर इसके शार्पनेस को इंक्रीज करना है एंड नीचे इसके मास्किंग ऑप्शन मिलता है इसको इंक्रीज करना है एंड डिटेलिंग को ऑप्शन ओपन करना है। सो देन इतना करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो कि आपके पिक एकदम रेडी हो जाएगी हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ऑसम से अपनी फोटो बन चुकी है।
सो इसी के साथ गाइस हम लोग आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड मैं मिलता हूँ इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।